नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा नया वीडियो पाने के लिए। ये पढ़ें एनसीईआरटी पैटर्न का नया सिलेबस इन हिंदी माध्यम। ये गणित भाग एक है कक्षा 12 का। ये प्रश्नावली 15.6 का देखिए दिया है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे हल करते हैं, देखिए सीधा सा बहुत आसान है। ये x इक्वल टू ए कॉस थीटा जो है, ठीक, और यहाँ y इक्वल टू बी कॉस थीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी एक्स बटा डी थीटा। डी थीटा जो नीचे बताता है कि थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो ए है कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। और यहाँ जब इसका हम करेंगे तो डी वाई डी थीटा बराबर बी कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस बी साइन थीटा हो गया यहाँ से, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी वाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए डी वाई डी थीटा बटा डी एक्स वाई डी थीटा इस सूत्र में हम रख देंगे, ये होता है। अब यहाँ डी वाई डी थीटा का मान क्या है, माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स वाई डी थीटा का मान है माइनस ए साइन थीटा। अब यहाँ से कितना आसानी से हल हो गया, ऊपर साइन थीटा है, नीचे साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये बी वाई ए आंसर डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार सेम है, दिया है x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस टू टी, ये दिया है। तो इसमें भी कह रहा है कि डी वाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया यहाँ भी अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ इसको दोनों प्रश्नों को क्या करेंगे, हम समीकरण को टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा। तो साइन टी का अवकलन आप जानते होंगे कॉस टी होता है, और यहाँ ये डी वाई डी टी का क्या होता है, देखिए जब कॉस टू टी है तो घबराइए नहीं, पहले पूरे को कर लीजिए, तो हो जाएगा ये माइनस साइन टू टी, ठीक है। अब फिर इसके एंगल का कर दीजिए, तो एंगल का करेंगे तो टी का 1 हो जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू साइन टू टी, ठीक है। अब यहाँ से कितना आसान हो गया, हमने इसका किया तो कॉस टी हो गया, और कॉस टी का माइनस साइन टू टी होता है, और फिर इसके एंगल का एक बार किए तो यहाँ से टी का 1 हो गया, यहाँ से 2 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है डी वाई डी एक्स, तो जब डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है तो हमको डी वाई डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी इसी में रख देना है। डी वाई डी टी क्या है, माइनस टू साइन टू टी बटा डी एक्स बाई डी टी क्या है, यहाँ से ये कॉस टी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस टू टू साइन साइन टू टू, इसका सूत्र आप जानते होंगे, टू साइन टी ये कॉस टी होता है बटा यहाँ से ये कॉस टी, ये फार्मूला आप जानते होंगे, कक्षा 10 में पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे। अब कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट, ये बच गया माइनस दो दूना चार साइन टी, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखते हैं। अगला प्रश्न सेम वही प्रक्रिया है, वही सवाल, वही जो है मेथड। चौथा नंबर है, एक्स इक्वल टू फोर टी और वाई इक्वल टू फोर वाई टी है, और फिर कह रहा है कि डी वाई डी एक्स ज्ञात कर रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया वही, इस प्रश्न को टी के सापेक्ष दोनों प्रश्नों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ हो गया, अब देखिए डी एक्स बाई जब डी टी करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, टी का अवकलन 1 हो जाता है। यहाँ डी वाई डी टी करेंगे तो यहाँ इसको बदल सकते हैं, पहले इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4t माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इसलिए माइनस आगे आएगा, माइनस 4 हो गया, और टी माइनस 1 ऑलरेडी है उसमें से 1 घट जाएगा, माइनस 4t इनवर्स 2। इसको यह आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब टी इनवर्स माइनस 1 है इसका अवकलन करते हैं तो माइनस 1 आगे आ जाता है, माइनस 1 का 4 में गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस 4 हो गया,
और इसमें से एन माइनस वन होता है, यानी उसमें से एक घटेगा तो एक घट रहा है, तो एक तो पहले इसमें चिन्ह है, एक घटा तो माइनस दो आ गया। अब हो गया ये, अब हमको ज्ञात करना है क्या, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी टी से में डी एक्स वाई डी टी से भाग दे देंगे, तो डी वाई डी टी माइनस फोर टी स्क्वायर माइनस टू है, फोर टी माइनस टू बटा ये फोर है। अब यहाँ से ये फोर से फोर कैंसिल आउट, माइनस टी इनवर्स टू, यानी वह हो जाएगा वन बाई टी स्क्वायर। यही आंसर हो गया, बहुत आसान है हल कर रहा है इसे प्रश्न को। अब आप करते रहेंगे, अब ऐसे और भी प्रश्न हैं तो इस प्रकार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।